अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशंस यूजिंग सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के मेथड को यूज़ करते हुए हम रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम सब्सटीट्यूशन का थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो सिंपल 10th क्लास या फर्स्ट ईयर क्लास की एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन आ जाए x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने सीखा है, ये हमारे पास कोई बड़ी चीज़ आ गई है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट कर लेता हूँ एक्स का जो स्केयर होगा ना वो वाई के इक्वल है, यानी कि वाई जो है वो एक्स स्केयर के इक्वल है, ये मैं लेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर का स्केयर और माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर एक्स स्केयर की जगह मैं वाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया एक्स स्केयर की जगह वाई, तो वाई स्केयर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इसका मेरे पास फार्मूला होता है वाई प्लस वन वाई माइनस वन, ठीक है, ये फार्मूला लग गया। अब ये चीज़ लैदा ज़ीरो के इक्वल या फिर ये वाली चीज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू माइनस वन आ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू वन आ गई, और दोबारा हमने वाई को एक्स स्केयर के इक्वल रखा था, तो अब वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस वन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन से क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। सब्सटीट्यूशन की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मैंने इंटीग्रेट करना है किसको, अगर मैंने इंटीग्रेट करना है बटे में मेरे पास है टू एक्स स्केयर प्लस फाइव, ठीक है, और ऊपर मेरे पास फोर एक्स है जी। अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि नीचे वाली जो भी चीज़ होगी मैं इसको टी कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जब मैं टी कलेक्ट करूँगा इसे, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेके देखें तो ये फोर एक्स आ जाएगा, फोर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस चीज़ की जगह पर ये देखें डी टी है, यानी कि ये चीज़ मेरे पास डी टी बन जाएगी, और बटे में ये वाली चीज़ टी के इक्वल सब्सटीट्यूट की थी तो ये टी आ गया। तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली एन एल टी नेचुरल लॉग टी प्लस सी आ गया। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगी नेचुरल लॉग टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी, ठीक है। तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ब्रैकेट्स भी लगाने चलेगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएँ तो हम इसे सब्सटीट्यूट करके ईजी बना लेते हैं। जैसे ये देखें कितना छोटा और ईजी बन गया, तो इसलिए हम सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं। अगर ना भी करें तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम डायरेक्टली इसका आंसर भी लिख सकते थे कि नेचुरल लॉग टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी, लेकिन आसानी के लिए, कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, पेचीदगियों से बचने के लिए हम सब्सटीट्यूशन को यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का मेथड यूज़ करेंगे रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमें बेहतरीन तरीके से समझ आएगी जब हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 आती है, एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें कहता है कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करें ए स्केयर एन और माइनस टू ए स्केयर एन माइनस वन इक्वल टू वन है, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और ए ज़ीरो की वैल्यू वन है, ठीक है। अब देखें कि मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 में आपको रेकरेंस रिलेशन की टाइप्स बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी और टाइप में चीज़ आई तो हम इसको होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लीनियर होमोजीनियस और लीनियर नॉन होमोजीनियस। तो अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे पास लीनियर नहीं है, तो पहले इसे लीनियर बनाऊंगा। तो लीनियर बनाने के लिए देखें, सबसे पहले यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, ये स्केयर वाली चीज़ है, ये भी स्केयर वाली चीज़ है, तो मैं इसे लेट करूँगा, लेट बी एन बराबर है ए एन का स्केयर, ठीक है, यानी कि इसकी जगह बी एन आ जाएगा। अब देखें अगर ये है तो फिर अगर मैं एन की जगह एन माइनस वन सब्सटीट्यूट करूँगा तो आ जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन स्केयर, ठीक है। तो इसकी जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दें और इसकी जगह पे ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास वन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चीज़ हमारे पास बन जाएगी, वन बिकम्स ए एन स्केयर की जगह बी एन आ जाएगा इक्वल टू माइनस साइन है, माइनस साइन टू ए स्केयर एन माइनस वन की जगह पे बी एन माइनस वन आ जाएगा और इक्वल टू वन। अब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बी एन बी के फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, पहले इसका होमोजीनियस देखेंगे, यानी कि इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस रिलेशन बनाएंगे इसका,
ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस रिलेशन बन गया और ये एफ एन हमारे पास आ गया वन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो आर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। आर की वैल्यू आ गई यहाँ से टू। ठीक है, होमोजीनियस वाला सोल्यूशन लिखें तो यहाँ पे अब बी आएगा क्योंकि बी को लेकर चल रहे हैं, तो होमोजीनियस वाला सोल्यूशन हमारे पास आएगा के वन मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू पावर एन। ठीक है, ये बी एन में होमोजीनियस वाला सोल्यूशन आ गया। अब ये एफ एन वन है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको पता है अब यहाँ पे बी आएगा, बी एन पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी वैल्यू ए आएगी। ठीक है, क्योंकि ए एन की पावर ज़ीरो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही लेके चलेंगे। अब ये बी एन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा ए माइनस टू ए इज़ इक्वल टू वन, तो आ जाएगा माइनस ए इज़ इक्वल टू वन, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब अगर हमने बी एन का इन जनरल सोल्यूशन देखना है तो हमारे पास बी एन इक्वल आएगा होमोजीनियस वाला सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा के वन टू रेज टू पावर एन और प्लस इसकी जगह माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया, ये बी एन की वैल्यू आ गई। अब इनिशियल वैल्यू हमें दी गई है ए ज़ीरो इज इक्वल टू वन है, तो ए ज़ीरो किसके इक्वल है, ए ज़ीरो वन के इक्वल है, यानी कि एन की वैल्यू जब वन होगी उस वक्त ए एन की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए एन इक्वल टू वन लिखा हुआ था ना, तो एन की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, एन की वैल्यू जब ज़ीरो होगी उस वक्त ए एन की वैल्यू वन आ जाएगी, ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, अगर ये देखें यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं पहले कि ए ए ज़ीरो की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, वन, और यहाँ पे हमारे पास ए एन का स्केयर था, ए एन का स्केयर था। ठीक है, ए एन का स्केयर था, यहाँ पे एन की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ए ज़ीरो और इसका स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर, अब देखें कि मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर लूँगा तो ये बन जाएगा ए नाट का स्केयर इज इक्वल वन का स्केयर, यानी कि ए नाट स्केयर वैल्यू आ गई वन, ए नाट स्केयर की वैल्यू आ गई वन। अब ए नाट का स्केयर वन आ गया, अब इसका मतलब क्या है, ए एन का स्केयर वन के इक्वल आ गया जब एन की वैल्यू ज़ीरो थी। ये देखें ना, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा। ठीक है, तो ए एन स्केयर की वैल्यू वन आ गई जब एन ज़ीरो था। इसी तरह आप बी एन देखें तो इस स्केयर की जगह मैं बी एन लिख सकता हूँ, यानी कि ये आ गया बी एन की वैल्यू वन आ गई जब एन ज़ीरो के इक्वल था, तो एन की वैल्यू ज़ीरो रख दें, यानी कि बी ज़ीरो की वैल्यू भी वन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बी ज़ीरो की वैल्यू भी वन आ जाएगी, तो बी ज़ीरो की वैल्यू वन आ गई। तो ये सारा हमने किया कि जब ए नाट ज़ीरो, ए नाट वन के इक्वल था और बी एन इसके इक्वल है, तो बी नाट भी हमारे पास वन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें तो ये बी नाट इज इक्वल टू के वन, एन की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, ये बी एन की जगह वैल्यू बी नाट की जगह और के वन और माइनस वन, तो के वन की वैल्यू आ गई, ये उधर जाकर प्लस हुआ टू। ठीक है, अब ये टू वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो बी एन हमारे पास आ गया टू मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू पावर एन माइनस वन, तो बी एन की वैल्यू आ गई टू रेज टू पावर वन प्लस एन माइनस वन। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हमारा सल्यूशन आ गया लेकिन बी एन की फॉर्म में। इसको अब रेज करता हूँ, अब देखिएगा, अब ये बी एन की वैल्यू आई है, तो बी एन किसके इक्वल था, बी एन हमने कहा था इक्वल है ए एन के स्केयर के, तो बी एन की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आ जाएगी ए एन का स्केयर इक्वल टू टू रेज टू पावर वन प्लस एन माइनस वन। ठीक हो गया, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट टू रेज टू पावर एन प्लस वन या वन प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ तक आ गया, अब देखें कि ये प्लस माइनस आंसर है, लेकिन ए एन का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इस वजह से इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगा। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इसका आंसर क्यों नेगेटिव में नहीं आ सकता, यानी कि इस चीज़ का आंसर नेगेटिव में क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, तो स्केयर है ना, तो स्केयर का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ये चीज़ इसके इक्वल है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। नहीं तो आप ये देख लें कि यहाँ पर बताया गया है एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन है। ठीक है, n ग्रेटर दैन इक्वल टू वन है, यानी कि n की वैल्यू वन भी हो सकती है और वन से बड़ी भी, यानी कि वन टू थ्री, इसका मतलब ये है। ठीक है, जब n की वैल्यू सबसे छोटी, यहाँ वन पुट करूँगा तो वन प्लस वन माइनस वन, तो आ गया टू की पावर टू माइनस वन, यानी कि फोर माइनस वन थ्री,
तो सबसे छोटी वैल्यू 3 आएगी, और बाकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना, यानी कि जब यह 2 पुट करेगा तो 2^3 - 1, तो इसका आंसर 7 आएगा। 4 इसके बाद 3 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 4 - 1 यानी कि 15। तो आंसर सबसे छोटा 3 आएगा, तो 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है और 3 से आंसर बढ़ता जाएगा, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। 3 का स्क्वायर रूट भी लेके देखें तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। इस वजह से मैंने नेगेटिव को निगलेक्ट किया और हमारे पास हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन से निकाला, और इसका सोल्यूशन ए एन था और हमने ए एन फाइंड किया। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन बी एन का था जो कि ए एन स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की और एंड पे हमने ए एन अपना आंसर निकाला और सोल्यूशन हमारा ए एन ही था। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन की समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए एन इज इक्वल टू 3a(n/2+n) वेयर एन इज इक्वल टू 2^k और k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और ए वन की वैल्यू 1 है। ए वन की वैल्यू यानी कि जब एन की वैल्यू 1 होगी तो ए वन की वैल्यू ए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है कि एन किसके बराबर है, 2^k, तो जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ 2^k लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा ए 2^k इज इक्वल टू 3a। अब ये 1/2 अलग कर लेते हैं हम, और एन की जगह पे हम लिख लेते हैं 2^k। ठीक है, अब ये 1/2 है तो 1/2 को मैं 2^-1 भी लिख सकता हूँ, तो ये चीज़ आ जाएगी 2^-1 और 2^k। ठीक हो गया, और प्लस एन की जगह मेरे पास आ जाएगा 2^k। अब देखें, ये आ जाएगा a 2^k इज इक्वल टू 3a 2^k-1 आ जाएगा और प्लस 2^k। ठीक है, ये चीज़ उधर जाएगी तो a 2^k इज इक्वल टू माइनस, ये इधर आकर माइनस की हो गई 3a 2^k-1 और प्लस 2^k इक्वल टू और इक्वल टू 2^k। ठीक हो गया, अब ये देखें दोबारा हमारे पास वही चीज़ बन गई, नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। लेकिन यहाँ पे 2^k ये वाली चीज़ें आ रही हैं, इनको सोल्व करना हमने नहीं सीखा, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या कि हम a 2^k को bk कह देंगे। ठीक है, और जब हमने bk कह दिया तो लेट कर लेते हैं लेट। अब देखें कि k की जगह अगर मैं k-1 सब्स्टिट्यूट करूँ, यानी k की जगह मैंने k-1 रख दिया, तो ये बन जाएगा bk-1। तो इस वाली चीज़ की जगह पे बी के आ जाएगा -3, इस वाली चीज़ की जगह ये देखें बी के -1 आ जाएगा और इक्वल टू हमारे पास 2^k है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखें कि यहाँ से हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस निकलेंगे, यानी कि एसोसिएटेड होमोजीनियस ये वाला आ जाएगा और हमारे पास fn(2^k) आ जाएगा। fn नहीं आएगा, अब fk आएगा, क्योंकि ये k पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, अब यहाँ से देखें तो यहाँ से r-3=0 और r की वैल्यू आ गई 3। जब r की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, r की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। जब r की वैल्यू 3 आ गई तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगा बी एन होमोजीनियस बी के, अब k है ना यूज़ हो रहा, तो k बी के होमोजीनियस वाला इक्वल आ जाएगा k1 और ये 3^n। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस 3^k आएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम k को लेके चल रहे हैं, एन नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया होमोजीनियस वाले का। अब इसको लेके चलते हैं, 2^k है, एफ के हमारे पास है 2^k, तो ये α^k वाला केस है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2, तो इस पे हमारे पास जो पर्टिकुलर आएगा हमारे पास वो आएगा बी के पर्टिकुलर जो है हमारे पास आएगा α^a(α^k) होता है, यानी कि 2^k ये आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी चीज़, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में तो ये आ जाएगी हमारे पास a^2^k-3a^2^k-1 और इज इक्वल टू 2^k। तो दोनों तरफ हम k+1 से यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ k 1 - k से। ठीक है, 1 - k से कैसे करवाते हैं पीछे डिटेल से हमने ये चीज़ें डिस्कस किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा k से कैंसिल होगा तो 2a आ जाएगा, माइनस ये सारी चीज़ से कैंसिल होगी 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास k से कैंसिल हुआ 1 आ जाएगा, तो ये 2a-3a यानी कि -a आ जाएगा और इक्वल टू 2,
तो ए की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब ये वाली ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बी के पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसकी जगह माइनस टू रखा तो माइनस टू और डॉट टू रेज टू पावर के, ठीक है, या इस तरह में हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर के प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब ये होमोजीनियस और पर्टिकुलर वाले को प्लस करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ए वन इज इक्वल टू वन है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब एन की वैल्यू वन होगी तो उस वक्त ए एन वन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ए टू के, ए टू रेज टू पावर के किसके इक्वल है, एन नहीं है अब यहाँ पे के, ठीक है, अब यहाँ पे के क्योंकि हर जगह के यूज़ हो रहा है, के नहीं एन ही होगा। एन किस वजह से होगा, क्योंकि ये हमें एन में दिया गया है तो ए एन हमारे पास वन के इक्वल है जब एन वन के इक्वल था, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ वन रखेंगे ना तो ए वन वन के इक्वल आ जाएगा। अब देखें, अब ए एन, एन की जगह क्या है, यानी कि ए एन वन के इक्वल आ रहा है ना, तो एन किसके इक्वल था टू रेज टू पावर के, यानी कि ए टू रेज टू पावर के किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है टू रेज टू पावर के वन के इक्वल है। अब देखिएगा यहाँ से कि ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ हमारे पास बी के इक्वल है, तो बी के की वैल्यू आ जाएगी वन जब टू रेज टू पावर के इक्वल होगा वन के, ठीक है, बी के की वैल्यू आ जाएगी वन जब टू रेज टू पावर के इक्वल होगा वन के। के की कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें कि हमारा आंसर वन आए, तो के की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी ना, ठीक है, के की वैल्यू वन तो ज़ीरो, के की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बनेगी ना, यानी कि के की वैल्यू ज़ीरो पे ये सेटिस्फाई होती है, तो जब ये सेटिस्फाई होगी तो उस वक्त ये होगा, यानी कि के की वैल्यू आएगी ज़ीरो, तो बी ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास वन आ गई। तो इतना बड़ा प्रोसीजर करने का मकसद सिर्फ ये था कि इसकी मदद से बी ज़ीरो की वैल्यू भी वन आएगी। कैसे आई, दोबारा सुन ले, ए एन वन के इक्वल है जब एन वन के इक्वल था, अब एन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें टू रेज टू पावर के इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे एन की जगह वैल्यू पुट कर दें टू रेज टू पावर के इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल था, बी के, बी के इज इक्वल टू वन, यहाँ पे आ गया टू रेज टू पावर के इज इक्वल टू वन। के की कौन सी वैल्यू पुट करें कि सेटिस्फाई हो, जीरो, जीरो वैल्यू पुट करूँगा सेटिस्फाई, यहाँ भी जीरो पुट कर दी, ठीक है, तो ये बी जीरो वन के इक्वल आ गया और ये सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर बी जीरो वन आ रहा है, तो बी जीरो वन लिख दिया हमने, ठीक है, ये सारी कंडीशन। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा बी एन, हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो आएगा के वन थ्री रेज टू पावर के और माइनस टू के वन प्लस वन, और ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब के वन की वैल्यू पुट करनी है तो बी ज़ीरो वन के इक्वल होता है, यानी कि बी ज़ीरो के वन थ्री के पावर ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो प्लस वन, तो ये बी ज़ीरो की वैल्यू वन है, वन इज इक्वल टू के वन माइनस टू आ जाएगा, ये टू उधर जाकर प्लस हुआ तो के वन की वैल्यू आ गई थ्री। अब ये वाली थ्री वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा बी एन इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री रेज टू पावर के माइनस टू मल्टीप्लाई टू की के प्लस वन, और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी इनकी, तो हमारे पास आ जाएगा थ्री रेज टू पावर के प्लस वन माइनस टू रेज टू पावर के प्लस वन, तो ये हमारे पास हमारा बी एन आ गया, ये हमारे पास हमारा बी एन आ गया। अब बी एन आ गया, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए था, इसका सोल्यूशन क्या है ए एन, ठीक है, ए एन हमने फाइंड करना है, तो पहले हम बी एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी एन किसके इक्वल था, तो बी एन नहीं बी के, तो बी के आना यहाँ पे, ठीक है, एन तो है ही नहीं, वो आदत बनी हुई है एन एन बार बार लिख लिख के, तो बी के किसके इक्वल है ए टू के, यानी ए टू के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री के प्लस वन माइनस टू के प्लस वन। हमें चाहिए वैल्यू ए एन की, ठीक है, यहाँ पे टू के आया तो अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से रेज कर देता हूँ सारा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखें एन इज़ इक्वल टू टू रेज टू पावर के, पहले मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, पहले यहाँ से के की वैल्यू निकालूंगा, तो के की वैल्यू देखिएगा कैसे निकलती है, के की वैल्यू देखिएगा कि कैसे निकलती है। अब k की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों तरफ log 2 ले लूँगा, तो यहाँ भी log मैंने 2 ले लिया और ये मेरे पास 2 raised to power k आ गया, ठीक है। अब ये log 2n ही रहा और ये हमारे पास पावर शुरू में आ गई, क्योंकि हम log की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, log mn हो ना तो पावर शुरू में आ जाती है,
ठीक है। तो इसी तरह ये पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और लॉग टू और टू बच जाएगा। अब जितनी बेस हो उतना ये हमारे पास हो तो ये वन के इक्वल होता है, तो लॉग एन, टू बेस टू और लॉग है एन, और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग एन विद बेस टू, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब ये देखें, टू की पावर के किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, टू रेज टू पावर के किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, तो ये आ गया एन। ठीक है, ये आ गया एन, एन इक्वल टू। अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, टू रेज टू पावर के इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री रेज टू पावर के, और इसको लिखेंगे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू की पावर के। ठीक है, तो इस टू की पावर के की जगह एन आ गया, ये हमें वैल्यू पता है, और थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर के, तो थ्री की पावर के की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग टू एन, और माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू पावर के की जगह पे ये आ जाएगा एन। ठीक है, टू रेज टू पावर के की जगह एन आ जाएगा, तो ये हमारे पास एन आ गया। तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर लॉग एन विद बेस टू माइनस टू एन। ठीक है, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बस इसी तरह हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए अपना जनरल सोल्यूशन निकाल लिया, इसका ए एन ही हमने फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन। तो आज के लेक्चर सिर्फ यही था। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेहबान।